बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टेम्परेचर रेगुलेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स। तो पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन बर्ड्स के अंदर, फिर हम बात करेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन मैमल्स के अंदर। बर्ड्स और मैमल्स हाईली एक्टिव एनिमल्स हैं एज कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो ये ऑलमोस्ट हर तरह के हैबिटेट में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं 35 से 42 के दरमियान। ये होम्योथर्मिक एंडोथर्मिक है, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी रखते हैं एक रेंज पे और खुद हीट बना भी रहे हैं। अब बर्ड्स के अंदर क्योंकि हीट बन रही है तो कहीं वो ओवर हीट ना हो जाए, ज्यादा उनके अंदर हीट ना हो जाए। मेटाबॉलिज्म के लिए तो हीट उनको जरूरी है, लेकिन ओवर हीट बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि अपने अंदर कूलिंग स्ट्रेटजीज लेके आते हैं कुछ एक्सेसिव वार्मिंग से बचने के लिए। हीट जरूर बनेगी उनमें क्योंकि मस्कुलर फ्लाइट के दौरान हीट लाजमी जनरेट हो रही होगी, लेकिन साथ में कूलिंग करेंगे और कूलिंग के लिए इनमें स्वेट ग्लैंड नहीं है, ठीक है। दे हैव नो स्वेट ग्लैंड, इनमें स्वेट ग्लैंड नहीं है, ठीक है। बर्ड्स के अंदर स्वेट ग्लैंड नहीं है। फिर ये क्या करते हैं, पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एवेपोरेटिव कूलिंग लेते हैं। कुछ बर्ड्स की स्पीशीज ऐसी हैं जिनके नेक रीजन में थ्रॉट रीजन के साथ एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही ज्यादा वस्कुलराइज्ड थिन सी एक पाउच होती है, दैट इज कॉल्ड एज गुलर। और ये क्या करते हैं अपने थ्रॉट रीजन में, ये उस पाउच को, उस पाउच के अंदर हवा भरते हुए उस पाउच को फुला लेते हैं। इसको कहते हैं गुलर फ्लटर। और जब वो पाउच फैलती है तो अंदर उसके अंदर एवेपोरेटिव एरिया बढ़ जाता है और ज्यादा उस एवेपोरेटिव एरिया से ज्यादा कूलिंग हासिल करते हैं। तो गुलर फ्लटर ये एक अडेप्टेशन है इनके अंदर। इस तरह से कुछ बर्ड्स वो अपने अंदर हीट को मेंटेन रखने की कोशिश में अपने अंदर हीट लॉस को बचा रहे हैं। ये तो हमने पहले बात कर दी ना कि बर्ड्स हीट लॉस कर रहे हैं कि ओवर हीटिंग से बच गए। अब अगर बर्ड्स का मेटाबॉलिज्म लो है और उनको पहली प्रॉब्लम है कि उनके मेटाबॉलिज्म इतना नहीं है कि वो ओवर हीट हो, बल्कि उनकी तो हीट उनको कंजर्व करना पड़ रही है, तो ऐसे बर्ड्स के अंदर ऐसे मैकेनिज्म डेवलप होते हैं जो हीट लॉस से उनको बचाते हैं, जैसे फीडर्स। ये एक एक्सीलेंट इंसुलेटर है, ठीक है, खास तौर पर जो डाउनी टाइप फीडर्स हैं, ठीक है, वो अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं एयर को और एयर को ट्रैप करते हुए एक इंसुलेटरी लेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो वो जो गूज पंपिंग है, अपने पर फुला के उसके अंदर हवा भर लेना, वो एक इंसुलेटरी लेयर अपनी इर्द गिर्द डेवलप हो रही होती है, तो वो हीट लॉस से बचाती है। जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं जिनके टांगों से और पाँव से हीट बड़ी लॉस होती है, वो अपने अंदर काउंटर करंट एक्सचेंज करवाते हैं वेसल्स के थ्रू। उन वेसल्स को रेटिमायरेबल, जैसे हमने फिश के अंदर जो है वो डिस्कस किया था, ऐसे ही बर्ड्स के अंदर भी ब्लड फ्लो को ऐसे मेंटेन किया जाता है कि अपोजिट मूविंग फ्लूइड में से, ब्लड में से हीट को एक्सचेंज कर लिया जाता है। जैसे ये डायग्राम आपके सामने है, इस डायग्राम में ये लेग रीजन को जरा बड़ा करके दिखाया गया, तो इसमें एट्रियल ब्लड फ्लो उसकी डायरेक्शन और वेनस ब्लड फ्लो उसकी डायरेक्शन ऐसे रखी गई है कि अपोजिट डायरेक्शन है और इसके दरमियान हीट एक्सचेंज हो जाए। लिहाजा जो टांगों को ब्लड जा रहा है नीचे, पाँव को ब्लड जा रहा है, ब्लड को पांव तक पहुंचने से पहले पहले ही उसके अंदर जो हीट है उसको काउंटर करंट एक्सचेंज के जरिए, उसको काउंटर करंट एक्सचेंज के जरिए ले लिया जाता है वेनस ब्लड में
जो कि दोबारा वो वापस बॉडी की जानब जा रहा है। तो इस तरह से जो हीट है वो पांव तक पहुंचती ही नहीं, तो लेग्स और फीट का टेम्परेचर कम रहता है बाकी बॉडी की नस्बत। ठीक है, अगर बॉडी इनकी जो है वो 35 पे है, 37 पे है, तो इनकी जो टांगे हैं वो 10 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम पे सर्वाइव किए हुए हैं प्रॉपर नॉर्मल। ठीक है, हीट एक्सचेंज के जरिए, काउंटर करंट एक्सचेंज के जरिए ये हीट को कंजर्व कर रहे हैं, ये हीट को कंजर्व कर रहे हैं। कुछ बर्ड्स बिहेवियर मैकेनिज्म भी शो करते हैं, छाओं में बैठना, माइग्रेशन करना, जैसे जो एक्टोथर्मिक है वो साय की तलाश में रहेंगे, ठीक है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी। इसी तरह से जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेशन करते हैं कंट्री टू कंट्री, शदीद सर्दी में साइबेरिया के इलाकों से जो परिंदे हैं वो माइग्रेट करके थोड़े से गर्म इलाकों में चले जाते हैं। तो ये जो माइग्रेशन वगैरह हैं या शेडिंग को ढूंढना है, ये इनके अंदर बिहेवियरल अडेप्टेशन है। तो बर्ड्स अपने बिहेवियर्स में भी अडेप्टेशन लेके आते हैं टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। अब हम मैमल्स की बात करते हैं। मैमल्स भी एक्टिव हैं, एंडोथर्मिक हैं। एंडोथर्मिक भी हैं, होम्योथर्मिक भी हैं। तो मैमल्स जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, जैसे आर्कटिक फॉक्स है, ठीक है, या बैरन ग्राउंड कैरिबो है, तो वो क्या करते हैं कि अपने ब्लड वेसल्स के थ्रू एक्सचेंज करते हैं हीट को। लेग्स में, टेल्स में, ईयर्स में, नोज में इनके ऐसे ब्लड वेसल्स है कि सर्कुलेशन इस तरह से मेंटेन कर ली जाती है कि सरफेस पे जो है वो सरफेस पे कम से कम जो है वो फ्लो जाए, हीट लॉस ना हो। मैमल्स जो हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे जैक रैबिट है, उनके अंदर अवेपोरेटिव लॉस ज्यादा है। जैसे जैक रैबिट की एग्जांपल ले लें, उसका एक्सटर्नल ईयर, उसका जो पिन्ना है, कान इतना बड़ा जो उसका ब्लेड है, एरिया है, कि उसके मैक्सिमम उसके जो एरिया से हीट को जाया किया जाएगा। इसी तरह से कुछ मैमल्स के अंदर ब्लिबर एक इंसुलेटिंग फैट की लेयर है, जैसे सील्स है, वेल्स है, ये उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद देती है। ये आपके सामने डायग्राम है जैक रैबिट की, कि उसके कान जो है वो किस तरह से उसका जो कानों का एरिया है वो मैक्सिमम एवेपोरेटिव लॉस करवा के वो किस तरह से इस रैबिट को जो है वो बचाता है शदीद जो है वो गर्मी से। वेल के हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी टेल और फ्लिपर्स में जो है ब्लिबर नहीं है। ठीक है, वहां पर जो है वो क्या है, काउंटर करंट सिस्टम, ब्लड फ्लो जो आर्टरी और वेन्स का है वो फ्लो के दौरान ही हीट एक्सचेंज कर दी जाती है, सरफेस पे हीट कम से कम जाने दी जा रही है। ठीक है, ये भी उनके अंदर अडेप्टेशन है। मैमल्स में बिहेवियरल अडेप्टेशन में भी है, मतलब उसमें छाओं की तलाश है, जो शेड में उनका बैठना है, या एनिमल्स का जो है वो धूप में बैठना है, जैसे बास्किंग करते हैं हम सर्दियों में, ठीक है, या इसी तरह से अपने आप को वार्म रखने के लिए, ठीक है, बर्रोज को जो है वो और प्रोटेक्शन के और टेम्परेचर के लिए उसको शेयरिंग है। ठीक है, ये सारी अडेप्टेशन है, बिहेवियरल अडेप्टेशन है। डे टाइम में बर्रोज में जाना है शदीद गर्मी से बचने के लिए, ये बिहेवियरल अडेप्टेशन। इस तरह से माइग्रेशन भी देखी गई है मैमल्स में भी, हाइबरनेशन भी देखी गई है मैमल्स में भी, विंटर स्लीप भी देखी गई है। ठीक है, तो ये सारी अडेप्टेशन जो है ये इनको सरवाइव करने में मदद देती है। जैसे हम डेजर्ट कैमल की बात कर लें, ठीक है, ये हॉटेस्ट और ड्राइएस्ट क्लाइमेट में जो रह सकते हैं अपनी इन अडेप्टेशन के थ्रू। बर्ड्स और मैमल्स दोनों के अंदर हीट कंजर्वेशन तो है ही है, या हीट लॉस तो है ही है अकॉर्डिंग टू नीड। थर्मोजेनेसिस भी है, हीट बना रहे हैं थर्मोजेनेसिस थ्रू, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, या नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, दोनों तरह की है।
तो थर्मोजेनेसिस ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के जरिए या एटीपेज एंजाइम में उसमें उसकी मदद से या फैटी एसिड्स और ब्राउन फैट की ऑक्सीडेशन से या दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के जरिए जब वो हो रही है। जब भी मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मसल सेल के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं ये स्लाइड ओवर होते हैं और हाइड्रोलाइज करते हैं एटीपी को, जिससे हीट जनरेट होती है। ठीक है, इस तरह से जो वॉलेंट्री मसल्स हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जब वो सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इन मसल्स से शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो रही है जब ये शिवर कर रही है। बर्ड्स और मैमल्स ये हीट जनरेट कर सकते हैं एटीपेज एंजाइम की मदद से, जो कि उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है या ऑर्गेनेल्स के अंदर मौजूद है। जो बॉडी कूल हो जाती है, थायराइड ग्लैंड वो थायरॉक्सिन हार्मोन पैदा करते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म को तेज करवा देता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करवाने से ये एटीपी की सिंथेसिस का जो है वो सबब बनता है। तो इसका मतलब है कि ये जो हार्मोन है ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का सबब बन रहा है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस ये उसका सबब बन रहा है। तो शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस दोनों तरीकों से हीट बन रही है। फिर ब्राउन फैट, उसके मेटाबॉलिज्म से हीट ज्यादा। ब्राउन फैट क्या है, एक स्पेशलाइज्ड फैट है जो कि न्यूबर्न मैमल्स के अंदर मौजूद होती है। कौन से मैमल्स, वो मैमल्स जो कि कोल्ड क्लाइमेट में रह रहे हैं, वो मैमल्स जिन्होंने हाइबरनेट करना होता है। ये ब्राउन फैट ब्राउन कलर में है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम्स मौजूद है जो कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, जो कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ब्राउन फैट डिपॉजिट होती है रिब्स के नीचे, शोल्डर के नीचे, और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है इस ब्राउन फैट से जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है, जब सेल ऑक्सीडाइज करते हैं फैटी एसिड्स को। ब्लड फ्लो जो ब्राउन फैट के पास से जो है वो हो रहा होता है वो हीट हो जाता है और हीट होके वो बॉडी को जो है वो वार्मिंग कर रहा होता है। ये आपके सामने एक डायग्राम है, ब्राउन फैट उसकी एक्युमुलेशन दिखाई गई है और उस ब्राउन फैट के अंदर ब्लड का फ्लो दिखाया गया है। ठीक है, तो ब्लड फ्लो के दौरान क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है वो उस ब्लड को मिलती जा रही है साथ। हीट प्रोडक्शन के हवाले से देखें बर्ड्स और मैमल्स के अंदर, तो हमने डिस्कस किया कि शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस दोनों से हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इस थर्मो रेगुलेशन को, हीट प्रोडक्शन को खास तौर पर जो नॉन शिवरिंग और शिवरिंग दोनों ही, लेकिन नॉन शिवरिंग कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस का रोल है, उसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये हीटिंग सेंटर या कूलिंग सेंटर को एलिक्ट करता है। ठीक है, जब हीटिंग सेंटर एलिक्ट होगा, बॉडी हीट हो रही होगी, तो उस वक्त शिवरिंग या नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से हीट भी बन रही होगी और साथ ही साथ जो है वो क्या है, जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स द स्किन। और अगर जो है वो हीट लॉस करनी है, कूलिंग सेंटर है, तो उस वक्त एवेपोरेशन हो रही होगी और साथ ही वैसोडाइलेशन हो रही होगी स्किन के एरिया की जानब। उसके अलावा इरेक्शन ऑफ हेयर्स है या फर है वो भी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है कि इन नीड कितनी जो है वो वहां पर हीट को जो है वो कंजर्व करना है, उसके मुताबिक इंसुलेशन लेयर कितनी बनानी है, थी वो हेयर्स इरेक्टेड होके उसके अंदर एयर ट्रैप होके इंसुलेटरी कोट बन जाए।
कूलिंग सेंटर में वैसोडाइलेशन है, स्वेटिंग है, पेंटिंग है, ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। और फीडबैक मैकेनिज्म के तहत जो ये कंट्रोल हो रहा है सारा, ठीक है, कि जैसे ही टेम्परेचर सेट पॉइंट से अगर डेविएट करेगा तो हाइपोथैलेमस वो कूलिंग सेंटर को या हीटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगा, और कूलिंग और या हीटिंग के नतीजे में जैसे ही वो टेम्परेचर मेंटेन होगा वो फौरन फीडबैक रेस्पॉन्स के तहत जो है वो उस रिएक्शन को रोक देगा। तो फीडबैक मैकेनिज्म के तहत ये कंट्रोल है, फीडबैक मैकेनिज्म के तहत टेम्परेचर की सेंसेशन है प्रॉपर, ठीक है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है, और जैसे ही टेम्परेचर सेट हो जाता है बॉडी का फीडबैक कंट्रोल के तहत ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी कूलिंग या हीटिंग। इस चेकरबोर्ड से आपको सारा क्लियर हो जाएगा किस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म काम कर रहा है। थर्मोरिसेप्टर्स जो स्किन के हैं और बॉडी के हैं ये डिटेक्ट कर रहे हैं बॉडी टेम्परेचर को और एनवायरमेंटल टेम्परेचर को, डिटेक्ट करके ब्रेन को बता रहे हैं, ठीक है, ब्रेन को बता रहे हैं। ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है, सपोज बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है और इसको इंक्रीज करना है, लिहाजा ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस दैट विल प्रोड्यूस TSH। TSH क्या करेंगे, TSH दैट विल इफेक्ट ऑन दी एंटीरियर पिट्यूटरी, और वहां पर ये हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर निकलेंगे जो इंटीरियर पिट्यूटरी से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीज का सबब बनेंगे, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन की रिलीज का सबब बनेंगे, और थायरोक्सिन क्या करेगी, दैट विल इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म बाय नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, हीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज भी प्रोड्यूस करवा रहा है, अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करवा रहा है उससे ब्लड वेसल्स भी वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हुए सिंपथेटिक वैजो डायलेशन या पैरासिम्पथेटिक के जरिए ये हीट को कंजर्व कर रही है या लॉस कर रही है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एपिनेफ्रिन निकल रहा है जो क्या कर रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है मेटाबॉलिज्म को। इस तरह से जो बॉडी सेल्स हैं वो भी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन किए हुए हैं थायरोक्सिन के कंट्रोल में और नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। ऐसे स्वेट ग्लैंड वो भी जो है वो कूलिंग करवा रहे हैं, वो ये भी सेम उसी इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज के थ्रू है ऑटोनॉमिक सिस्टम के कंट्रोल में। जो ब्रेन मोटर एरिया के जरिए स्केलेटल मसल को जो है वो कहेगा कि वो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है वो करवाए। अब ये जो सारे फैक्टर्स हो रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है या शिवरिंग हो रही है या नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो रही है या वैसोडाइलेशन हो रही है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, इससे डेफिनेटली या तो हीट गेन होगी या हीट लॉस होगी, ठीक है। तो अगर हीट जनरेशन हो रही है तो उसकी या कंजर्वेशन है या लॉस है, तो उसको या कंजर्व करते हुए या एक्सेस हीट को लॉस करते हुए बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। अगर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा तो उससे जो बर्ड्स और मैमल्स हैं वो कुछ बर्ड्स और मैमल्स हाइबरनेट भी करते हैं, हाइबरनेशन, अपने आप को इनएक्टिव स्टेट में ले गया, जैसे बैट्स हैं, ठीक है, वुड सैक्स हैं, चिंपांज़ीज हैं, ग्राउंड स्क्विरल्स हैं। हाइबरनेशन के दौरान मेटाबॉलिक रेट लो हो जाते हैं, ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट रेट लो हो जाता है, मैमल्स अपने आप को हाइबरनेशन के लिए तैयार करते हैं अपने अंदर फैट रिजर्वायर जो है वो फिल करते हुए, ठीक है। जितने भी हाइबरनेटिंग एनिमल्स हैं उनके पास ब्राउन फैट मौजूद होती है, ठीक है। और जो डिक्रीज इन डे लेंथ है ना, ये इनके अंदर एक स्टिमुलेंट के तौर पर है हाइबरनेशन के लिए। जब डे लेंथ कम होना शुरू हो जाएगी ये अपने अंदर फैट ज्यादा ज्यादा स्टोर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और फिजियोलॉजिकल करेक्टर है एस्टिवेशन, शदीद गर्मी में, ड्राई सीजन में, ठीक है, उस एलिवेटेड टेम्परेचर से बचने के लिए
वो हाई टेम्परेचर से बचने के लिए एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन में टेम्परेचर ज्यादा हो, ड्राई सीजन हो, तो उस ड्राई सीजन के दौरान एनिमल अपने आप को इनएक्टिवेट कर लेते हैं। इस तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने अंदर खुराक को स्टोर नहीं करते, डेंस बना के जिसम से बाहर खुराक को स्टोर करके जो लेंथी विंटर्स हैं उनको सो के गुजारते हैं, विंटर स्लीप, जैसे बैजर्स हैं, बियर है, अपसम है, रैकून्स है, शंक्स हैं, तो ये विंटर स्लीप में जाते हैं। विंटर स्लीप में इनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है, दैट इज नॉट ट्रू हाइबरनेशन, ना ही ये जिस्म के अंदर उस तरह से उतनी फैट की स्टोरेज है। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू बर्ड्स और मैमल्स अपनी हीट प्रोड्यूस करके अपने आप को मैनेज किए हुए हैं, अपनी हीट को उन्होंने कंजर्व किया हुआ है। इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।